أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टाइप के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज आपको आपकी किताब के सफ़र नंबर 95 पे दिया हुआ सबक नंबर 8 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहूँगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ेंगे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने मिलकर हमारी आज़ादी के लिए मेहनत की। उनकी मेहनत से 14 अगस्त 1947 को हमारा आज़ाद वतन पाकिस्तान बना। कायदे आज़म चाहते थे कि हम अपने वतन में रहने वाले सब लोगों का एहतराम करें और सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। बच्चों, एक बार हम दोबारा इसे फिर पढ़ेंगे। कायदे आज़म मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। कायदे आज़म और उनके साथियों ने मिलकर हमारी आज़ादी के लिए मेहनत की। उनकी मेहनत से 14 अगस्त 1947 को हमारा आज़ाद वतन पाकिस्तान बना। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि हम अपने वतन में रहने वाले सब लोगों का एहतराम करें और सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। बच्चों, ये तस्वीर आप नजर आ रही है, ये तस्वीर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है और इनके पीछे पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है। ये बानी पाकिस्तान है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की और इन्हीं की कोशिशों से ये हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। बच्चों, एक बार आगे ये दी हुई मश्क है बच्चों, इस मश्क में लफ्ज बनाएं, ये तोड़ हैं, इनके हम जोड़ लिखेंगे। सीन जम लफ्ज बनाएं, ये तोड़ दिए हुए हैं बच्चों, अब हम इन तोड़ के जोड़ बनाएंगे। सीन जमा अलिफ जमा थे जमा ये सा थी आगे बच्चे बच्चों नीम जमा हे जमा नून जमा ते मेहनत इसके बाद बच्चों शीन जमा खे जमा स्वाद शख्स शीन जमा खे जमा स्वाद शख्स आगे है बच्चों रे जमा हे जमा बे जमा रे रह बर रे आगे है बच्चों अलिफ
जमहे जमते जमरे जमा अलिफ जमा मीम। एहतराम बच्चों एक बार फिर हम इन जोड़ के तोड़ एक बार फिर आपको आपके साथ दोबारा पढ़ेंगे। सीन जमा अलिफ जमा थे जमा ये सा थी। नंबर दो मीम जमा हे जमा नू जमा ते मेहनत। आगे शीन जमा खे जमा स्वाद शख्स। आगे बच्चों रे जमा हे जमा बे जमा रे रह वर। आगे बच्चों अलिफ जमा हे जमा ते जमा रे जमा अलिफ जमा मीम। एहतराम। इसके बाद बच्चों सवाल दिए हुए हैं उनके हम जवाब देंगे। पहला सवाल है पाकिस्तान कब आजाद हुआ। बच्चों अभी आपने अपनी किताब में पढ़ा है कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ है। सबक में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। दूसरा सवाल है बच्चों कायदे आजम चाहते थे कि हम किसका एहतराम करें। जवाब है इसका बच्चों हम वतन में रहने वाले सब लोगों का एहतराम करें। इसके बाद अगला सवाल है बच्चों कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों की मेहनत से क्या हुआ था। पाकिस्तान आजाद हुआ था। एक बार बच्चों दोबारा हम इसको पढ़ेंगे इन सवालात को। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। नंबर दो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे कि हम किसका एहतराम करें। कायदे आजम चाहते थे कि हम वतन में रहने वाले सब लोगों का एहतराम करें। कायदे आजम और उनके साथियों की मेहनत से क्या हुआ था। पाकिस्तान आजाद हुआ था। इसके बाद बच्चों होमवर्क है आपका आपकी किताब के अगले सफ़े 97 पे कुल्फी कैसे खाऊं। ये तस्वीरें दी हुई हैं इन तस्वीरों की मदद से आपने एक कहानी बनानी है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।